दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणसूत्र और आनुवंश की टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन कहावत है ना वही, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपके ऊपर बहुत गंभीर घाव करने वाला है, मतलब बहुत इफेक्ट डालने वाला है, आपकी जानकारी को 100% इजाफा करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित जानिए कि 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। इसलिए आज जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारी चीजें मैंने जो भी वीडियो इंक्लूड की हैं, ये आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं पे आधारित है। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, क्लास को हम स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको जानेंगे। सबसे पहले चलिए क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन अभी पिछले दिनों जो है, परसों जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स और वाई गुणसूत्र में मूल अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए वाई गुणसूत्र बच्चे का क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये क्या आंसर की बात हो गई। ठीक है, चलिए अब गुणसूत्र के बारे में हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं गुणसूत्र की खोज किसने और कब की थी। तो जान जाइए 1842 में। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो मैं जो चीजें बताते जा रहा हूं उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप, या तो कॉपी कलम लेकर के कॉपी पे नोट करते जाइए, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो गुणसूत्र की खोज किसने और कब की, तो 1842 में कार्ल विलहेम वान नेगेली ने जो है गुणसूत्र की खोज की थी। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। ठीक, उन्होंने सब सेलुलर संरचनाओं की खोज की थी। किसकी खोज की थी, सब सेलुलर संरचनाओं की खोज की थी। इसी को बाद में क्या कहा गया, क्रोमोसोम्स कहा गया। ठीक है, चलिए यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि गुणसूत्र की खोज किसने और कब की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली बात करते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होता क्या है। आइए थोड़ा इसको समझते हैं कि ये चीज है क्या। देखिए, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जो होता है, ये जितने भी वनस्पतियां या जीव हैं उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं। ठीक है, तंतु रूपी क्या होते हैं, ये पिंड होते हैं। ठीक है, तंतु रूपी पिंड होते हैं, आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग है जो वंशागति के लिए आवश्यक है। यहां से बात क्लियर हो गई होगी, गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र ये सभी वनस्पतियों और जीवों में पाए जाते हैं, सब में, चाहे आम का पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे सुअर हो, भालू हो, कुत्ता हो, सब में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र है क्या, ये जो हमारे आनुवांशिक गुण है ना, जो है इन आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं और उसको क्या करते हैं, संचारित करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है, और ये जान लीजिए आप, गुणसूत्र कहां होता है, कोशिका का जो केंद्रक होता है ना, कोशिका का जो सेल होता है, उसी सेल के अंदर जो है, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सूक्ष्म सूत्र जैसा क्या होता है, ये भाग होता है। ठीक है, सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग होता है जो वंशागति के लिए आवश्यक है। ठीक, तो यहां से आपको गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होता क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब गुणसूत्र के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, देखिए गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यक्ष और एक होता है वाई। ठीक है, चलिए पहले यक्ष को समझ लीजिए, यक्ष क्या होता है, यक्ष गुणसूत्र क्या होता है। तो यक्ष क्रोमोसोम क्या है, ये एक सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, जो मादा में जोड़ा जाता है और नर में एकल होता है, मतलब मादा में यक्ष क्रोमोसोम क्या होता है, डबल होता है, जोड़े में होता है, और नर में क्या होता है, एकल होता है, मतलब एक यक्ष होता है और एक वाई होता है। ठीक है, वहीं वाई गुणसूत्र की अगर बात करें तो ये भी क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम है जो आमतौर पर केवल पुरुष कोशिकाओं में मौजूद होता है। वाई क्रोमोसोम जो होता है केवल पुरुषों में पाया जाता है।
ठीक है, लेकिन यक्स का क्रोमोसोम जोड़े के रूप में ये केवल मादा में पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महिलाओं में या मादा में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, तो यक्स यक्स जोड़े में पाया जाता है। ठीक है, पुरुषों में कौन पाया जाता है, यक्स और वाई पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं हम। मनुष्यों में कुल 46 के लिए 22 जोड़े क्रमांकित गुणसूत्र। ठीक है, देखिए कुल अगर गुणसूत्र की बात करें तो होते हैं कितने हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र हमारे अंदर होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े। 23 का जोड़ा अगर कर देंगे आप, डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये जो 23 है, 23 में से 22 जो होते हैं ये क्रमांकित गुणसूत्र होते हैं, जिनको ऑटोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो 23वां होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वही आपका यक्स यक्स या यक्स वाई होता है। ठीक है, प्रत्येक जोड़े में, अब यहां पे एक बात और आती है कि प्रत्येक जोड़े में दो क्रोमोसोम्स हैं, ऐसा क्यों है, यक्स यक्स है चाहे यक्स वाई है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, देखिए प्रत्येक माता पिता से एक आता है। ठीक है, प्रत्येक जोड़े में दो गुणसूत्र होते हैं और प्रत्येक माता पिता से एक आता है, जिसका अर्थ है कि बच्चों को उनके गुणसूत्रों का आधा हिस्सा विरासत में मिलता है। ठीक है, मतलब माँ और पिता से जो है आधे आधे गुणसूत्र मिलते हैं। ठीक है, ये जो 46 है गुणसूत्र ना, ये क्या है, लक्षण है, कलर है, बालों का रंग है, लंबाई है, ऊंचाई है। ठीक है, ये कुछ बीमारियां इसके अंदर आती हैं, वंशों की बीमारियां भी आ जाती हैं, तो ये गुणसूत्र उनके वाहक होते हैं। ठीक है, तो माँ और बाप के आधे आधे लक्षण बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, यहां से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लड़का या लड़की होने के लिए कौन जिम्मेदार है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है लड़की होने के लिए, कि लड़की होने की या लड़का होने के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, आज ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए स्त्री में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो यक्स यक्स पाए जाते हैं, पुरुषों में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो यक्स और वाई पाया जाता है। ठीक है, देखिए जब स्त्री का यक्स गुणसूत्र, ठीक है, पुरुष के वाई गुणसूत्र से मिलता है, नहीं, स्त्री का यक्ष गुणसूत्र पुरुष के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है, तो क्या होता है, लड़की का जन्म होता है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है, लड़की का जन्म कब होता है, जब मादा का यक्ष गुणसूत्र और पुरुष का यक्ष गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है, लड़की पैदा होती है। ठीक है, और जब मादा का यक्ष गुणसूत्र और पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है, तो क्या होता है, लड़के का जन्म होता है। यहां से बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो ये बातें सारी हो गई किसकी, गुणसूत्र की। ठीक है, आपने शायद नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया होगा। चलिए अब हम जल्दी से अनुवांशिकी टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, अक्सर आप जो है अनुवांशिकी और गुणसूत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होइए, अनुवांशिकी को हम जो है एक एक वन बाई वन देखते हैं। अनुवांशिकी पहले क्या होता है समझ लीजिए, अनुवांशिकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला क्या है, ये लक्षण है, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। ठीक है, अब खोज की अगर बात करी की जाए, किसने इसको खोजा, तो ग्रेगर जान मेंडल ने। ग्रेगर जान मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था और मृत्यु जो है 6 जनवरी 1884 को हुआ था। ये कौन थे, एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई हैं और एक पादरी थे ये। ठीक है, ऑगस्टियन पादरी थे और वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, इन्हें ही आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, तो ग्रेगर जान मेंडल। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इन्होंने आनुवंशिकी की खोज किस पे की, इन्होंने आनुवंशिकी की खोज किस पे की, मटर के पौधे पर की। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि मटर के पौधे को ही क्यों चुना इन्होंने, बाकी पौधे या बाकी जीव क्यों नहीं चुना, क्योंकि मटर का जो कार्यकाल होता है ना, मतलब जो इसका पैदा होने का समय होता है, 2 से 2.5 महीने में ये निपट जाता है। ठीक है, बहुत कम समय होता है, इसलिए प्रयोग साल भर में हम कई बार इसके ऊपर हम प्रयोग कर सकते हैं। मटर का पौधा आसानी से उगता भी है, हर जगह उगता है, इसलिए इन्होंने इसके प्रयोग के लिए क्या किया, मटर के पौधे को चुना। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब इन्होंने जो प्रयोग किया था, दो प्रकार के प्रयोग किए थे, एक का नाम है एकल संकरण, दूसरे का नाम है द्विसंकरण। अब एकल संकरण क्या होता है, जब समान लक्षण या समान जीन वाले पौधों का आपस में संकरण कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो उसको एकल संकरण बोलते हैं, और जब विपरीत लक्षण वाले पौधों का संकरण कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, द्विसंकरण कहते हैं।
ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जान लीजिए, मेंडल के द्वारा प्रस्तावित विरासत के तीन कानून कौन कौन से पूछा जा सकता है। मेंडल ने विरासत के तीन कानून प्रतिपादित किए। पहला कानून है प्रभुत्व का कानून, दूसरा कानून है अलगाव का कानून और तीसरा कानून क्या है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ये मेंडल ने तीन नियम दिए, प्रभुत्व का कानून, अलगाव का कानून और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, सारी बातें आपने नोट कर ली होंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी बातों को दिमाग में बैठा लीजिए, इससे जान लीजिए इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू।